हाय अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू राजा इरमान ऑफिशियल। टुडे हमारा हाउ टू मेक ब्लॉक कोड्स का सेकंड ट्यूटोरियल है। तो लास्ट टाइम जो सा है हम सी पैनल तक पहुँचे थे कि हमने जो सा है होस्टिंग और डोमेन बाय की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी जो सा है डोमेन और होस्टिंग बाय कर ली होगी। अगर नहीं भी की तो इंशाल्लाह एक दो दिन में आप लोग जो सा बाय कर लेंगे। तो जो सी लास्ट ट्यूटोरियल जो सा है वो मैंने अपलोड किया था, उसमें एक कमेंट आई थी। उसमें कोई भाई जो से हैं वो पूछ रहे थे, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, अब मुझे याद नहीं है तो मैं कमेंट्स ओपन करता हूँ। सलाम ब्रो, आई लाइक योर वर्क, काइंडली अपलोड अनदर पार्ट एंड प्लीज़ टेल मी डैट विच टाइप ऑफ वर्क आई कैन डू विद ब्लॉगिंग एंड हाउ विल अर्न। ठीक है, तो इसमें इन्होंने पूछा है कि आप जो सा है मुझे बताएं कि मैं जो सा है किस चीज़ पे ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। यार भाई बात यह है कि ब्लॉगिंग आप किसी चीज़ पे भी कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है तो आप टेक्नोलॉजी के काम कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे फाइंड आउट करते हो कि आखिर वो है चीज़ क्या। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका आईफोन है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है या एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें है, तो आप जो सा गूगल पे टाइप करते हो। आप गूगल पे सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको बेस्ट जो से हैं एंड्रॉयड प्लेयर ऐप्स चाहिए तो आप गूगल सर्च करते हो बेस्ट एंड्रॉयड वीडियो प्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जो सा है ये आ जाती है मुख्तलिफ वेबसाइट्स। तो अब ये 10 बेस्ट वीडियो प्लेयर्स ऐप्स हैं। ठीक है, अब उस बंदे के जिस चीज़ पे इंटरेस्ट है, एंड्रॉयड अथॉरिटी डॉट कॉम उसने डोमेन नेम रखा हुआ है और उस पर वो जो सा है तकरीबन हर एक चीज़ एंड्रॉयड के बारे में बता रहा है कि एंड्रॉयड पे ये चीज़ किस तरह, ये चीज़ किस तरह है, कौन कौन से ऐप क्या काम करते हैं। तो मतलब आप आइडियाज़ जो से गूगल से ही ले सकते हैं और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को जो सा है ब्लॉगिंग की फील्ड में आगे लेके चलो तो आप जो सा कामयाब रहोगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर आपको जो सा है आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू ब्लॉगिंग फील्ड और दिस कोर्स तो आप जो सा इस वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। कोई भी है, गर्ल है, बॉय है, जो भी है, जिसका कोई भी क्वेश्चन है वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकता है। मैं उसको इंशाल्लाह जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं गाइड कर दूंगा। तो अब जो सा है हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम हम सी पैनल पे थे तो आज मैं जो सा सी पैनल के बारे में आपको ब्रीफ करूँगा जितना भी टाइम होता मेरे पास। अब इसमें सबसे टॉप पे जो सा फाइल्स हैं मेरे पास जो शो हो रही हैं, आपके पास शायद नीचे शो हो ऊपर शो, तो आप उनको एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आप इस जगह पे लेके जाएंगे कर्सर ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट साइड पे जो सा है यहाँ पे ये हमारा यूज़र नेम लिखा है, जैसे मेरा आईटी पाकिस्तान है तो उन्होंने ऑटोमेटिक यूज़र नेम दे दिया है और साथ नीचे दिया मेन डोमेन नेम। ठीक है, उसके बाद होम डायरेक्टरी, जो आपका सर्वर की जो सी लोकेशन है वो है, आपके सर्वर की लोकेशन होम जो सा है फोल्डर है उसके अंदर आईटी पाकिस्तान PAKIST उसका फोल्डर है, उसमें आपकी वेबसाइट की सारी फाइलें जो सी हैं वो मौजूद होंगी। लास्ट लॉग इन फ्रॉम के लास्ट जो से आपने कौन से आईपी से लॉग इन किया था ये वो डिटेल है। इसके बाद CPU USH इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके बाद ये फिजिकल मेमोरी है, उसके बाद IO USH है, IOPS, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाती है डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस क्या चीज़ है? डिस्क स्पेस इसमें मुझे 3 GB दी है और आपने जो सा है अगर आप होस्टिंग प्लान 1 लेते हो तो इसमें आपको 1 GB दी होगी। 1 GB बहुत ज़्यादा होती है, आप ये देख सकते हैं कि इसमें मेरे पास 3 GB है और जो सी यू जो यूज़ हुई है वो 320 MB है जस्ट ओनली। इसके बाद मंथली बैंड विड्थ ट्रांसफ़र है, ये आपको मंथली बैंड विड्थ दी जाती है, आपकी शायद 30 GB होगी या 20 GB होगी। इसका जो सा मकसद होता है वो ये है कि आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आते हैं तो जो जो वो विजिटर्स आते जाते हैं तो आपका बैंडविड्थ जो सा है वो कंज्यूम होता जाता है, वो उतना जो सा है उतने GB में से जो सा वो कम होता जाता है। और एंड पे आके अगर आपका बैंडविड्थ लिमिट जो सा है हाई हो जाए तो उसके बाद आपकी वेबसाइट लोड नहीं होती है, यूज़र को परेशानी होती है या फिर वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है।
तो उस स्टार्टर पैकेज में जितनी बैंडविड्थ है वो काफ़ी है। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा जिससे आप जो सा ये अपनी वेबसाइट की बैंडविड्थ तेज़ कर सकते हैं, वो अलग जो सा उसके लिए ट्यूटोरियल होगा। इसके बाद ईमेल अकाउंट्स हैं, ईमेल अकाउंट्स अब मेरे पास थ्री होस्टिंग वाला पैकेज है, तो उसमें 2000 जो सी मैं ईमेल्स क्रिएट कर सकता हूँ अपनी डोमेन के नाम पे। जैसा कि इसमें मैंने 6 ईमेल्स यूज़ की हैं, बाकी जो सी हैं सारी इसी तरह पड़ी हैं जो कि मैंने अभी यूज़ नहीं की हैं। अपनी मर्ज़ी से मैं कस्टमाइज ईमेल जो सी है वो क्रिएट कर सकता हूँ। अब मेरी डोमेन है www.itpakistan.org। अब मैं इस पे ईमेल क्रिएट करना चाहूँ तो इस तरह होगा admin@itpakistan.org, यहाँ पे raja@itpakistan.org, मतलब जो कुछ भी लिखूँगा वो इससे पहले होगा, उसके बाद @itpakistan.org। इस तरह मैं जो से 2000 3000 ईमेल जो सी हैं वो क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद मेलिंग लिस्ट है, मेलिंग लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, पर इसमें मुझे ऑप्शन नहीं है, 0x0 है। एड ऑन्स, 4 एड ऑन्स यूज़ कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब डोमेन्स क्या होती है, जैसे अब ये डोमेन है www.itpakistan.org, तो इसमें सब डोमेन इसकी क्या होगी, वो आप इस तरह हो सकता है raja.itpakistan.org, ठीक है। वट एवर जो भी है आप यहाँ पे softwares.itpakistan.org, मतलब इस तरह करके मैं जो है डोमेन्स क्रिएट कर सकता हूँ, और इसको हम कहते हैं सब डोमेन। ये मेन डोमेन होती है और ये उनकी सब डोमेन्स होती हैं। इसमें जो है 100 जो सी सब डोमेन्स क्रिएट कर सकता हूँ, पार्ट डोमेन्स 0x5, इसमें पार्क भी कर सकता हूँ मैं डोमेन्स, क्योंकि मेरे पास पैकेज जो है वो हाई वाला है। इसके बाद एसक्यूएल डाटाबेस, एसक्यूएल डाटाबेस का आप सब लोगों को मालूम होगा, एसक्यूएल डाटाबेस जो सा है एक कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग होती है जो कि आपके डाटा को तरतीब देने के लिए होती है। वो ऑटोमेटिक जो सी आप जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक एसक्यूएल डाटाबेस होती है, जिसमें आपकी वेबसाइट का एक बैकअप डाटा जो सा है वो रिस्टोर होता है। इसके बाद माई एस क्यूएल डिस्क स्पेस 9.69 MB, मेलिंग लिस्ट, उसके बाद सर्वर इंफॉर्मेशन, काफ़ी कुछ है। जो दो तीन चीज़ें हैं वो आपने यही याद रखनी है कि एक बैंडविड्थ और डिस्क स्पेस, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको कोई मसला नहीं होगा, आप जो सा अगर आपकी 20 GB बैंडविड्थ है तो आप उस पे जो सा है 15 से 20 हज़ार जो से आराम से विजिटर जो सा ला सकते हैं मंथली के, उस यूज़र को कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये था लेफ्ट साइड का, और इसमें एक नीचे और भी है, थीम वगैरह है इसमें, पेपर लेटर नहीं है, ठीक है। थीम्स भी चेंज हो जाती हैं सी पैनल की, पर जो थीम ये सी पैनल की है यही हमेशा से यूज़ होती आ रही है और यही सबसे इजी थीम है। इसके अलावा ऊपर ये होम का बटन है, होम तो हमारा ये मेन ही है। इसके बाद ये वाला ऑप्शन है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, चेंज लैंग्वेज, चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डार्क, ये भी डार्क है, मतलब कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। सी पैनल ये रेट्रो स्टाइल है, ये लाइट स्टाइल है, ये डार्क स्टाइल है, ये बेसिक स्टाइल है। और इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप जो है अपना सेकंड ईमेल और टोकन वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद रीसेट पेज सेटिंग, इन चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, लॉग आउट अपने यहाँ से हो जाना है। अब जो है फाइल मैनेजर आ जाता है। अगर आपने डोमेन न्यू बाई की है तो आपका जो सा है इस वक्त आपकी डोमेन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। जैसे कि अभी मैं www.itpakistan.org ओपन करता हूँ तो इस पे मुझे वेबसाइट शो हो रही है क्योंकि मैंने इस पे वेबसाइट क्रिएट की है। तो आपको जो सा इस तरह से शो नहीं होगी, आपको कुछ एरर्स शो होंगे, उनको देख के आपने परेशान नहीं होना, उनका हम हल जो सा है वो बाद में निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद अब ये फाइल्स पे आते हैं। फाइल मैनेजर क्या चीज़ है, अरे यार मेरा तो गला ही सूख गया है बोल बोल के, पर क्या करें, आपको समझाना भी तो है। राइट क्लिक करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये हमारी फाइल मैनेजर होती है, जहाँ पे हमारी वेबसाइट का जो से फाइल्स वगैरह सेव हुई होती हैं, पिक्चर्स, कोडिंग वगैरह और भी काफ़ी कुछ होता है जो सेव हुआ होता है आपका। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, फाइल्स वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। आपने जिस पे क्लिक करना है वो है आपका पब्लिक HTML। ये पब्लिक HTML का मतलब ये है कि पब्लिक को जो HTML शो होगा वो इसमें होगा सारा,
जो कि पब्लिक वो विजिटर आएगा उसको जो शो होगा वो यहाँ पे डाटा सेव होगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा है जिसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है न्यू यूज़र के लिए। तो इसको देख के परेशान नहीं होना, बस आप इतना ज़हन रखें कि जो भी है आपका public_HTML में शो होता है, बाकी किसी भी चीज़ को आपने छेड़ना नहीं है, ना ही राइट क्लिक करके डिलीट करना है, कुछ भी किसी भी चीज़ को किसी भी फाइल को डिलीट नहीं करना। अगर आपने डिलीट कर दिया तो आपको परेशानी होगी, और उस परेशानी के लिए फिर जो से आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से रब्ता करेंगे, फिर उसको वो रीसेट करेगा और आपका डाटा भी रिमूव हो सकता है। तो इस वजह से इसकी कोई भी फाइल आपने डिलीट नहीं करनी है। इसके बाद इमेजेस हैं, राइट क्लिक करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब, मॉडिफाई एंड मैनेज इमेजेस सेव टू योर अकाउंट। तो ये बता रहा है कि जितनी भी आपकी वेबसाइट में इमेजेस होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, और इसकी ज़रूरत नहीं है, बकवास चीज़ है। डायरेक्टरी प्राइवेसी ये भी किसी काम की चीज़ नहीं, FTP अकाउंट्स फलाना फलाना, बस ये फाइल में जो है फाइल मैनेजर ही काम की चीज़ है, बाकी सब बकवास है। इसके बाद ये साइट पब्लिशर है, डोमेन्स में आ जाते हैं, जो काम की चीज़ें वही मैं आपको बताऊंगा। अब जो मैंने खुद नहीं यूज़ करता तो वो मैं आपको किस तरह से बताऊं कि उन चीज़ों का क्या फ़ायदा है। साइट पब्लिशर सेलेक्टेड डोमेन, मेन डोमेन, ये देखें सब डोमेन एक क्रिएट हुई है, PSD.ITPakistan.org। मैं मिनट इसको ओपन करके देखता हूँ। हाँ, तो आपके पास इसी तरह का जो है मेन वेबसाइट पे शो हो रहा होगा, मे भी इस तरह का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको छोड़ देते हैं, एड ऑन डोमेन को भी छोड़ दें, सब डोमेन्स, यहाँ से सब डोमेन में आप मज़ीद सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं, इसकी भी आपको भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। नीचे काम की चीज़ पे आते हैं, सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर काम की चीज़ है, इसमें हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। मैं 2 मिनट अपनी सब डोमेन्स देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने मेन वेबसाइट पे जो है ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल की है। तो PSD.ITPakistan.org, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक सब डोमेन अपने लिए क्रिएट कर लूँगा, जिसमें मैं आपको आगे की जो सी कहानी समझाऊँगा, ठीक है। सब डोमेन मैं कर लेता हूँ RAR, राजा ए रेमा, ठीक है, RAR.ITPakistan.org। जी मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, मैं इसी पे जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा। आपको कोई चीज़ भी समझ नहीं आ रही तो आप बराए मेहरबानी नीचे कमेंट कर सकते हैं, बगैर किसी डर खौफ के आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर हैं, इसमें क्लाउड फ्लेयर है, क्लाउड फ्लेयर की आपको ज़रूरत नहीं है। साइट सॉफ्टवेयर में आपकी जो है वेबसाइट का सॉफ्टवेयर बता दिया जाएगा कि आप कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैं वर्डप्रेस यूज़ कर रहा हूँ, तो वो वर्डप्रेस बता रहा है कि आपने वर्डप्रेस फलाना फलाना वर्जन जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, MultiPHP मैनेजर, MultiPHP, नई एडिटर, ऑप्टिमाइज वेबसाइट, वर्डप्रेस थीम्स, सॉफ्टकलेस ऐप इंस्टॉलर, सेलेक्ट PHP वर्जन। इन सब चीज़ों को गोली मार के आपने जो सा सॉफ्टकलेस जो सा ऐप इंस्टॉलर, इस पे फोकस करना है कि ये क्या चीज़ है। इसको अब जब राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे काफ़ी ज़्यादा जो से सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। कुछ ब्लॉग से रिलेटेड हैं, CMS पोर्टल, फोरम्स, इमेज गैलरीज, विकीपीडिया टाइप की वेबसाइट्स। अगर आप जिस तरह की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसमें सॉफ्टवेयर हैं वो आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो हमारा जो मेन फोकस है वो है वर्डप्रेस और ब्लॉगिंग, तो हम ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और देन हम जो है वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये वर्डप्रेस ओपन हो जाएगी, वर्जन 4.7.4, वर्डप्रेस फलाना फलाना, ठीक है। यहाँ पे ये इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन है, तो मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा और आपने भी इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। और अब जो सा है यहाँ पे ये पूछ रहा है चूज़ प्रोटोकॉल, आपने जो सा है प्रोटोकॉल वो WWHTTP, ये स्लैश है दो, और उसके बाद है www. आपने ये वाला चूज़ करना है। मैं जो सा बाय द वे ये वाला चूज़ करूँगा, पर आपने WW वाला चूज़ करना है, मैं अगेन बता रहा हूँ आपको। और यहाँ से आपने मेन डोमेन चूज़ करनी है, और हालांकि मैं जो सा सब डोमेन चूज़ करूँगा क्योंकि मेरी मेन डोमेन पे ऑलरेडी काम हो रहा है, तो दैट्स वाई जो सा
यहाँ पे जब आप अपनी मेन जो सी है डोमेन नेम चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे www के साथ, तो इसके बाद ये डायरेक्टरी है, आपने इसको यहाँ पे कट कर देना, डिलीट कर देना, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद साइट नेम है, साइट नेम में आप कोई भी नाम दे दें, मैंने राजा रहमान दे दिया ऑलरेडी। साइट डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दें। इसके बाद आ जाता है एडमिन अकाउंट, इसको आपने अनचेक ही रहने देना, इसको चेक वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद एडमिन यूज़र नेम, यूज़र नेम आपका कोई स्ट्रांग सा होना चाहिए, मैं इस जो सा अभी अपने लिए राजा रहमान दे रहा हूँ। पासवर्ड जो सा आपने हमेशा स्ट्रांग पासवर्ड यूज़ करना है, जिसमें कैपिटल स्मॉल लेटर्स और न्यूमेरिकल्स भी आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसमें आप पासवर्ड चूज़ कर लें, यहाँ से मैं हाइड करता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड चूज़ करता हूँ। मैंने पासवर्ड चूज़ कर लिया है। यहाँ पे एडमिन ईमेल, एडमिन ऐट द रेट rar.itpakistan आपका यहाँ पे हो गया, एडमिन ऐट द रेट जो भी आपकी डोमेन है, उसके बाद .com है या .org। और एक और चीज़, हमेशा जो मुझे डोमेन है आपने .com पे लेनी है, .org पे नहीं लेनी, क्योंकि .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वजह से आपको कल को मसला हो सकता है, आपको FIA वाले पकड़ के ले जाएंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं और आपने डोमेन ने ऑर्गेनाइजेशन वाले खरीदी है। और सबसे बड़ी बात कि SEO में जो सा है .com की डोमेन हमेशा प्रेफर करती है और वो सबसे जल्दी जो सा रैंक करती है। .org को रैंक करते भी 6 महीने लग जाते हैं। मैंने तो गलती कर ली .org पे लेके, क्योंकि .com पे मुझे मिल रही नहीं थी, तो मैंने .org पे ले लिया, पर फिर भी अच्छा है। यहाँ पे आपने ठीक है, इंग्लिश हो गया। इसके बाद लॉगिन टैब, इसको वगैरह छोड़ देना, एडवांस ऑप्शन इसको भी छोड़ देना। यहाँ पे सिलेक्ट थीम कर, इसको भी आप जो से ऑन चेक कर दें। और यहाँ पे ये पूछ रहा है ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स टू, अब जो आपका पर्सनल जीमेल अकाउंट है, याहू जो भी है ईमेल अकाउंट, आप वहाँ वो यहाँ पे दे दें, ये उस पर जो सा है लॉगिन डिटेल्स सेंड कर देगा। आप इंस्टॉल पे क्लिक करें जस्ट ईमेल दे के, तो यहाँ पे जो सा ये आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है। और यहाँ पे ये आप कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल सक्सेसफुली, वाज मतलब ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं वर्डप्रेस हैज बी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। आप ये डोमेन नेम पे जाके अपनी वेब प्रेस जो सी है वो चेक कर सकते हैं। जो ही आप अपनी डोमेन पे जाएंगे तो आपके पास ये चीज़ शो हो जाएगी, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा ब्लॉग है, वो शो होगा आपके पास। और इसके नीचे होगा एडमिनिस्ट्रेटिव URL, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एडमिन URL हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं, जो आपका डोमेन हो नेम होगा उसके आगे आप स्लैश डालें और साथ ही WP फिर डैश फिर एडमिन, बस ये आपने लिख देना है तो आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आपके पास ये डैशबोर्ड डायरेक्ट नहीं आता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो जो है ऑटोमेटिक लॉगिन हुआ था, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे यूज़र नेम देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप दोबारा से यूज़र नेम जो आपने वहाँ पे अकाउंट बनाते वक्त दिया था और पासवर्ड वो दे के आप लॉगिन करोगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा। आप उसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं ताकि आपको बार बार पासवर्ड वगैरह इंटर करना ना पड़े। तो ये हमारा वर्डप्रेस जो सा है वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, और आप इसको अब क्लोज कर दें। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। नाउ जो सा है हम दोबारा सी पैनल की तरफ आते हैं, क्योंकि हम लास्ट टाइम भी सी पैनल पे थे। इसके बाद एडवांस है, इसको भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सेफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर डाटाबेस है, इसको भी आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अभी न्यू भी हैं। SEO मार्केटिंग टूल, इसमें कुछ खास नहीं है। मैट्रिक्स है, इसके बाद ईमेल आ जाता है, ईमेल ठीक है। ईमेल जो सा मैं नेक्स्ट जो सा ट्यूटोरियल में उसमें कवर करूँगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं वो हम जो सा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी और प्रेफरेंसेस, तो आज की ट्यूटोरियल भी जो सा 20 मिनट्स का हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तो इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे जो सा कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे। आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, बेशक 1 घंटे बाद मिले 2 घंटे बाद मिले, पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तो हिम्मत नहीं हारनी है, जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम लोगों ने जो सा 2-2, 3-3 साल लगाए हैं इस फील्ड में सिर्फ सीखने के लिए। तो आपके पास तो रेडीमेड बंदा मौजूद है जिससे आप सीख सकते हैं ऑनलाइन, तो आप उससे फ़ायदा उठाएं और हमारे ट्यूटोरियल से देखें, देख के और लर्न करें और जो सा अपनी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जो सा अपना सफ़र जो सा वो स्टार्ट कर दें। क्योंकि
आपको एक अच्छी अर्निंग करने के लिए जो है 5 से 6 महीने चाहिए होंगे, और आपका एक पक्का मेथड होना चाहिए, उस पर जो है आपने कायम दायम रहना है, उस पर 6 महीने मेहनत करें, और आपको उसके बाद रिजल्ट ना मिले तो आप जो है मुझे शिकवा कर सकते हैं। पर यह है कि टाइम मैटर्स एवरीवेयर, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमेशा कुछ ना कुछ जो है सीखते रहा करें। ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, अपनी दो